दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। रविवार को विभिन्न कार्यक्रम में होंगे शामिल। रविवार को बताएंगे सीएम योगी प्रबुद्ध सम्मेलन में ट्रिपल इंजन सरकार की खूबियां। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर मिलेगा मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन। 950 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले पांच दिनों से बिजली कर्मचारियों की जारी हड़ताल को शासन द्वारा उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के आश्वासन देने पर बिजली कर्मचारियों ने स्ट्राइक को किया स्थगित। हत्या कर स्कूटी लूटने वाले गैंग के गैंग लीडर आकाश गुप्ता, समीर अली, साजिद अली और सलामत उर्फ कल्लू अंसारी सहित चार अभियुक्तों के ऊपर पिपराइज थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया सपत्निक पहुंचे गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में महायोगी गोरक्षनाथ जी का किया दर्शन पूजन। सीएम योगी से भी किया मुलाकात। तस्करों के गैंग लीडर मिंटू अली, विशाल चौहान और सुमित कुमार निषाद के ऊपर शाहपुर थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह ने दी जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा राजकीय दृष्टि बाधित बालिका इंटर कॉलेज में विधिक साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन। कहा, जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क सेवाओं के बारे में दिव्यांग बच्चों को कराया गया अवगत। वैद्यनाथ जी चतुर्थ स्मृति अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के तीसरे दिन उत्तर प्रदेश आईटीबीपी ग्रीन आर्मी और रेड आर्मी की टीमों ने सेमीफाइनल में किया प्रवेश। रविवार की सुबह होंगे सेमीफाइनल मैच। अपराह्न 3 बजे खेला जाएगा फाइनल मैच। पुरस्कार वितरण करेंगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक आरपी सिंह ने दी जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन सशक्तिकरण दिवस के अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा दिव्यांग बच्चों को उपकरण वितरण एवं समेकित क्रीड़ा प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। कहा, दिव्यांग बच्चे अपने आप को किसी से न समझे कम। नायब तहसीलदार विकास कुमार की अध्यक्षता में सदर तहसील में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, तहसील दिवस में आए कुल 60 मामले निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को दिए गए निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर जिला दिव्यांगजन अधिकारी संदीप मौर्या ने जनपद के सभी दिव्यांगों को दी शुभकामना। कहा, सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए पेंशन, ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की सुविधा करवा रही है उपलब्ध। दिसंबर से 19 दिसंबर तक नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सभी संस्थाओं में ललित कला महोत्सव का किया जाएगा आयोजन। 13 प्रतियोगिता होगी आयोजित। संस्थान के विद्यालय के साथ जनपद के अलग अलग विद्यालय के विद्यार्थी करेंगे प्रतिभाग। सभी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया जाएगा सम्मानित। सोसाइटी के सचिव मनकेश्वर नाथ पांडे ने दी जानकारी। और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर सीआरसी से निकाला गया जागरूकता रैली। लोगों को दिव्यांगों के सशक्तिकरण के प्रति किया गया जागरूक।